हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर, जो क्लास 9th, 10th और 11th और उससे नीचे वाली क्लासेस में भी काम आने वाला टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा है उस टॉपिक का नाम था टेंस, जो कि एग्ज़ाम के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से पूछा जाता है। आज हम नया एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच के दो और नाम भी है, इस नाम से भी इस टॉपिक को जाना जाता है, जिसका दूसरा नाम तो ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और तीसरा जो नाम है इसका वो है नरेशंस। तो तीनों जो बातें हैं वो एक ही टॉपिक के लिए है, रिपोर्टेड स्पीच का हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो या फिर नरेशंस का हो, इन तीनों ही टॉपिक का मतलब एक ही है और ग्रामर के अंदर ये एक ही टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर अपने को ग्रामर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस तरह से होता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर अपने को कन्वर्ट करना होता है। अब डायरेक्ट सेंटेंस दिया होता है और उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। टॉपिक को पढ़ने से पहले इस रिपोर्टेड स्पीच के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेंटेंस वो होता है जब किसी भी दो पर्सन के बीच में सीधी बातचीत हो रही हो, ठीक है ना, तो वो सेंटेंस कहलाता है डायरेक्ट। और जब उसी बात को दो जनों के बीच में जो बात हुई दो पर्सन के बीच में, उसी बात को जब थर्ड पर्सन तक आगे वापस जाके उसी बात को बताया जाता है, तो वो सेंटेंस अब थर्ड पर्सन तक डायरेक्ट नहीं जाकर वो इनडायरेक्टली गया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर सपोज़ मैं घर पे हूँ और मेरे पास किसी का कॉल आता है, ठीक है ना, कॉल आता है और बोलते हैं कि पापा घर पर है क्या, तो मैं उस समय बोलता हूँ कि फादर घर पर नहीं है, वो मार्केट गए हुए हैं। तो सामने वाली पार्टी मुझे बोलती है कि जब पापा आ जाए तो उनको बोलना कि एक्स वाई जेड का कॉल था और उनसे बात करनी है। अब हम दोनों के बीच में बात हो चुकी है, वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन कहलाएगा। लेकिन जब फादर घर पर आएंगे और मैं फादर को वो सारी बात बताऊंगा जो मुझे उस पार्टी ने मुझे बोली है कि फादर के बारे में, जब मेरी और फादर के बीच में बात होगी तो फादर तक वो बात पहुँच रही है लेकिन उन दोनों की डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, वो मेरे थ्रू इनडायरेक्टली फादर तक बात जा रही है। तो डायरेक्ट सेंटेंस कुछ इस तरह से होते हैं जिनको अपने को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले होता है टेंस का। जब डायरेक्ट बात हो रही होती है तो नॉर्मली टेंस जो होता है वो प्रेजेंट के अंदर काउंट होता है, लेकिन जब वही सेंटेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है तो बात जो है वो पास्ट में चली जाती है, क्योंकि सीधी बात जब हो रही होती है तब टेंस प्रेजेंट में होता है, और जब बाद में वही बात अगर बाद में थर्ड पर्सन तक पहुँचती है तो वो बात इनडायरेक्टली पहुँचती है तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो आइए अपन देखते हैं कि किस तरह से डायरेक्ट सेंटेंस एग्जाम में आता है और अपने को कौन कौन सी बातें उसके अंदर अच्छे से समझनी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने एक सेंटेंस लिया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इन दोनों को मेंशन किया गया है, एक टीचर एक पार्टी है और एक स्टूडेंट एक सेकंड पार्टी है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायरेक्ट बात हो रही है जिसमें लिखा गया है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आई हैव कम्प्लीटेड दिस टॉपिक। अब ये लाइन जो बोली गई कि आई हैव कम्प्लीटेड दिस टॉपिक, यानी कि मैंने अपना टॉपिक कम्प्लीट कर लिया है, ये किसने बोला है, ये टीचर ने बोला है और स्टूडेंट्स को बोला है। अब ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अब इस डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर अपने को कुछ बातें माइंड में रखनी है जो हर सेंटेंस में आपको बहुत हेल्प करेगी और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ बेसिक बातें हैं जो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपके बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहली चीज़ तो इसमें होती कि पूरे इस डायरेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट जो होता है जिसमें दोनों पार्टीज आप आमने सामने होती है जो बात कर रही होती है वो कहलाता है रिपोर्टिंग पार्ट। अच्छे से समझना, जिधर दोनों पार्टी को मेंशन किया गया हो कि दो पार्टी कौन कौन सी आपस में बात कर रही है तो उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। और रिपोर्टिंग पार्ट के बाद दूसरा जो पोर्शन बचता है जिसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा जाता है, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बात लिखी गई है ये यहाँ पर यहाँ का जो सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा बोली गई बात होती है और इसी बात को बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि ये जो अपना पोर्शन है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है ये आपका मेन सेंटेंस है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपने को रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच ये दोनों अपने आप में दो सेंटेंसेस है। सेंटेंसेस के अंदर अपन जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने कभी पढ़ा होगा, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो वो भी अपने को माइंड में रखना है कि रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर सबसे पहले होती है वर्ब, वर्ब से ठीक पहले मिलता है अपने को सब्जेक्ट और वर्ब के ठीक बाद में मिलता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर द टीचर जो है वो सब्जेक्ट है, सेड जो है वो यहाँ पर एक वर्ब है जो कि वर्ब की
सेकंड फॉर्म है और द स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ये वो बात हो रही है रिपोर्टिंग पार्ट की। इसी तरह अपन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखें तो यहाँ पर हैव कंप्लीटेड जो है दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। इसके पहले जो आ रहा आई वो सब्जेक्ट है और इसके बाद दिस टॉपिक जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ये कुछ बातें अपने को हर सेंटेंस के अंदर पहले वेरीफाई करनी होगी और पता चल लगाना होगा कि वर्ब कौन है, सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह कि रिपोर्टिंग पार्ट का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है, जब अपन आंसर लिखेंगे। तो ये मैंने अभी आपको बेसिक नॉलेज दिया कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा होता है और कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है। अब एग्जाम में जो सेंटेंस आएगा कि डायरेक्ट को अपने को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, अब इसके लिए कुछ 4-5 रूल्स बने हुए हैं जिनको अपने को अच्छे से समझना होगा। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आज एक रूल लिया है, नेक्स्ट रूल जो है अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जब सेंटेंस कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए रूल्स कौन से हैं। तो फर्स्ट रूल अपन ने लिया है कि अपनी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जो रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर होती है, जो सेड या सेड टू या सेज टू, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, यानी कि रिपोर्टिंग पार्ट की जो वर्ब होती है उसे अपन रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो सबसे पहला काम करना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को अपने को चेंज करना होता है। तो इसमें लिखा गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होती है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस, यानी कि आपको इस रिपोर्टिंग वर्ब को जो चेंज करना है वो इस रिपोर्टेड स्पीच को पहले अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये देखना है कि इसके अंदर किस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है, किस तरह का भाव इसके अंदर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने को इस सेड सेड टू या सेज टू को कन्वर्ट करना होता है। मोस्टली अपने को सेड या सेड टू मिलता है, तो इसके लिए मैंने लिखा कि नॉर्मली इस सेड और सेड टू की जगह पर जो एक्सप्रेशंस मिलते हैं उस एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग नॉर्मली ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे सेड की जगह या सेड टू की जगह पर अक्सर टोल्ड आ जाता है या आस्क्ड आ जाता है या एडवाइज्ड आता है या रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या कर्स्ड, सजेस्टेड, कमांडेड, विश्ड, ब्लेस्ड, ग्रीटेड, प्रेज्ड, एक्सक्लेम्ड, सरप्राइज्ड एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी कोई वर्ड हैं, चूँकि ये एक वर्ब है तो वर्ब की को रिप्लेस करने के लिए ये सारी वर्ब ही हैं। इंग्लिश के अंदर सिंपल सा रूल होता है कि अगर आप किसी वर्ड को रिप्लेस करते हो तो वो जिस कैटेगरी का, जिस फॉर्म का है, नया आने वाला वर्ड भी उसी कैटेगरी उसी फॉर्म का होना चाहिए। यहाँ पर आप वर्ब को रिमूव कर रहे हो तो आने वाला नया वर्ड जो होगा वो भी एक वर्ब होनी चाहिए। अगर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म को रिमूव कर रहे हो तो इसकी जगह पर नई जो वर्ब लिखोगे उसकी भी अपने को सेकंड फॉर्म लिखनी होती है। तो इस तरह से आज अपन ने रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट रूल, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब को कन्वर्ट करना है सेड और सेड टू या सेज टू को, उसको किस तरह से चेंज करना है, इसके बारे में आज अपन ने स्टडी करी है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या क्या बातें अपने को इनिशियल लेवल पर ध्यान में रखनी है, ठीक है, और किस तरह से अपन इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने रूल्स को फॉलो किया है। तो आज अपन ने इस वीडियो के अंदर फर्स्ट रूल जो है वो है रिपोर्टिंग वर्ब को कन्वर्ट करना, वो लिया है। होप करता हूँ कि आपको किस तरह से ये जो रूल है इसको अप्लाई करना ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे नेक्स्ट बचे हुए रूल्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।